काला खट्टा शरबत का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, और गर्मियों में तो इसका चटपटा तीखा टेस्ट जो होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मियों में इसे पी ले हम तो एकदम से रिफ्रेशिंग फील होता है। तो आज इस काला खट्टा जूस को हम बनाएंगे। यूं तो जामुन हम ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन जामुन बहुत कम टाइम के लिए आता है। जामुन कह लें, इसके बहुत सारे नाम हैं, जावा प्लम कह सकते हैं, जामुन कह सकते हैं, बेरीज, जो भी आप इसको नाम देना चाहें वो कह सकते हैं। इसको आप सॉल्ट के साथ ही डाल के खाएं, नहीं तो ये गले में फंसता है। अब इसे मैं बहुत सारी इसमें वीडियो में आपको टेक्निक्स बताऊंगी। हम पूरे साल के लिए भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत कम टाइम के लिए आता है, शायद 10-15 दिन के लिए ये बारिश के दिनों में आता है। तो जब भी फ्रेश जामुन जब आता है तो आप इसको ले लें अच्छे से वॉश करके, और ये जिप लॉक बैग में मैंने डाल दिया है। यहाँ आप चाहें तो इसमें शुगर पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिना शुगर के मैं इसको फ्रीज़र कर मैं रखूँगी जिप लॉक बैग में, ताकि डायबिटीज़ वाले हैं वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें शुगर ऐड कर देंगे तो वो इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। एक तो आप इस ढंग से इसे स्टोर करके रख सकते हैं, फिर अपनी पुडिंग्स में या जो भी आप शेक्स वगैरह बना के इसका यूज़ कर सकते हैं, ड्रिंक्स वगैरह बना के। तो इसे आप फ्रीज़र में डायरेक्टली स्टोर कर दीजिए। अब हम बनाते हैं इसका कॉन्सेंट्रेट। इसके लिए मैंने जामुन को बॉईल कर दिया है। यहाँ कुछ नहीं किया है, जामुन को 2 ग्लास पानी डाल के अच्छे से बॉईल कर लिया है, तो इसकी गुठलियाँ अच्छे से निकल जाएगी आसानी से। फिर इसका गुदा जो है हम गुठलियाँ निकाल के और मिक्सर में पीस लेंगे। ये देखिए पीस लिया है। अब जो पानी बचा है उसी में मैंने शुगर डाली है। नाप मैं आपको बताती हूँ, 1 किलो जब हमारा जामुन था तो उसमें मैंने 1/2 किलो चीनी का इस्तेमाल, मतलब कि जितना जामुन का वेट है उसकी आधी चीनी का हमें इस्तेमाल करना है। फिर अच्छे से इसका उबाला लेना है। इसे तब तक उबालना है जब तक कि यहाँ शुगर हमारी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। लगभग 10 से 15 मिनट तक हमें इसे उबालना है बहुत अच्छे से। मीडियम फ्लेम पे हम इसे उबाल रहे हैं। देखिए अच्छे से उबल गया है। अब हमारा जो पल्प था, जामुन का जो पल्प हमने बनाया था मिक्सर में, वो इसमें मिक्स करेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया इसका, बिल्कुल जामुनी जामुनी कलर। जामुन है तो जामुनी कलर की इजाद ही जामुन से हुई थी। ये सारा पल्प इसमें डाल देंगे। ये 1 लेमन का इसमें मैंने जूस ऐड किया है। लेमन और शुगर दोनों मिलके हमारे कॉन्सेंट्रेट को प्रिजर्व कर सकते हैं हम डाल के। अब यहाँ मैंने चाट मसाला ऐड किया है, भुना जीरा और काला नमक, नमक सारा चीज़ें मिला के भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं चाट मसाला में। ऑलरेडी ये सब मैंने मसाला बना के रखा हुआ है तो वो इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो जीरा भून के उसको कूट लें और काला नमक और नमक ऐड कर लें। ये देखिए कॉन्सेंट्रेट गाढ़ा हो गया है, ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको एक एयर टाइट बॉटल या कांच की बॉटल में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। जार बिल्कुल सूखा होना चाहिए ताकि पूरा साल के लिए जब हम इसे स्टोर करेंगे फ्रिज में तो पल्प हमारा ख़राब नहीं होगा। अगर इसमें गीलापन रह गया तो हमारा पल्प ख़राब हो सकता है। तो बिल्कुल सूखे जार में या स्टरलाइज जार में ही इसे स्टोर करें। अब यहाँ हमने ग्लास को गीला करके हल्का सा शुगर लगाई है उस पर पीसी हुई, फिर हम अपना कॉन्सेंट्रेट डालेंगे, इसमें पानी मिक्स करेंगे। इसमें हमने नींबू और चीनी सभी ऐड कर रखा है, भुना हुआ जीरा और चाट मसाला जो भी हमको चाहिए वो सारा ऐड कर रखा है।
ऊपर से हम अगर हमें चाहिए तो नींबू का रस और चाट मसाला या भुना हुआ जीरा और काला नमक और ऐड कर सकते हैं। फिर आइस क्यूब्स डालेंगे और इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो पूरे साल के लिए हम एक बार कॉन्सेंट्रेट बना कर रख देंगे, तो जब हमारा मन चाहे काला खट्टा शरबत पीने का तो हम बना कर इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप बर्फ के गोले में कर सकते हैं, केक्स, पुडिंग्स या फिर आइसक्रीम, स्मूदीज, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ आता है। तो आप भी अब बनाइए, जामुन का सीज़न जाने से पहले जामुन का क्रश बनाइए और पूरे साल जामुन के क्रश को यूज़ कीजिए। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अगर पसंद आई है और आपके लिए यूज़फुल है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल दबा दें ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।